स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, 2 युवक और 2 युवतियां गिरफ्तार। आरोपी पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले। अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड में संदिग्ध रूप से बस से उतरे 2 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों आरोपियों को गांजा तस्करी के आरोप में पकड़ा गया है। इनमें से दोनों आरोपी युवतियां पश्चिम बंगाल और दोनों युवक बिहार के रहने वाले हैं। चारों ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे, लेकिन जल्द पैसा कमाने की चाहत में गांजे की तस्करी करने लगे। चारों आरोपी 28 किलोग्राम गांजा लेकर बिहार से अंबिकापुर आए थे। इसी बीच बस स्टैंड पर वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जब्त गांजे की कीमत 4,20,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगाने सरगुजा पुलिस द्वारा नवा बिहान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत गांजा, शराब, नशीली दवाइयों, ब्राउन शुगर सहित अन्य नशे का धंधा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रतीक्षा बस स्टैंड स्थित सहायता केंद्र पुलिस ने प्रभारी अभिषेक पांडेय के नेतृत्व में बुधवार की रात पश्चिम बंगाल की 2 युवतियों व बिहार के 2 युवकों को एक साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा। पुलिस ने उनके पास रखे बैग की तलाशी ली तो उसमें 28 किलो गांजा मिला। पूछताछ में पता चला कि वे गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी सोनी खातून, नमीरा खातून और बिहार के सीवान जिला निवासी नीतीश कुमार व बिहारी कुमार को गिरफ्तार कर गांजा जब्त कर लिया। पुलिस ने चारों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20C के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई कि पश्चिम बंगाल की दोनों युवतियां सीवान जिले में एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी में काम करने गई थी। दोनों युवक भी वहीं काम करते थे। इसी बीच चारों जल्द पैसे कमाने के लालच में गांजा बेचने के धंधे में उतर गए।